अज 6 मई 2020 तक जिला लुधियाना 3608 सैंपल जिहड़े हैगे उह कलैक्ट किए गए हैं, जिहदे विचों 3267 सैंपलों की रिपोर्ट जिहड़ी हैगी उह प्राप्त हो चुकी है। कल की रिपोर्ट के मुताबिक असी 124 केस जिहड़े सीगे उह पॉजिटिव दसे सीगे, लेकिन जब असी उन्हां नूं एनालाइज़ किया तो एक केस जिहड़ा हैगा उह जिला बठिंडे नाल संबंधित निकलिया हैगा। तो साढ़े जिला लुधियाना के जिहड़े सैंपल हैगे उह हुण 123 हो गए हैं, और अब बाहरले डिस्ट्रिक्टां दे जिहड़े सैंपल्स हो गए हैं वह 20 हो गए हैं। 3124 सैंपल जिहड़े हैगे नैगेटिव पाए गए हैं, 8 पेशेंट जिहड़े हैगे वो हाले तक क्योर्ड हो चुके हैं, 5 पेशेंट्स की हाले तक डैथ हो चुकी है। तो जिला लुधियाना के 110 केसिस जिहड़े हैगे इस वेले एक्टिव केसिस हैगे, जो कि जिन्हों का इलाज जिहड़ा हैगा गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दे विच चल रहा है। माइग्रेंट्स लेबर की हुण तक 3 ट्रेनस जिहड़ियां हैगियां वो जिला लुधियाना तो असी वख-वख स्टेटां दे वास्ते भेज चुके हैं, जिन्हां विचों 2 ट्रेनस जिहड़ियां हैगियां वो यूपी दे वास्ते, तो 1 ट्रेन जिहड़ी हैगी वो झारखंड दे वास्ते गई हैगी। असी जिहड़े भी पैसेंजर्स हैगे जिन्हां नूं इस इन्हां ट्रेनां दे राहीं भेजना हुंदा है, उन्हां नूं असी एडवांस दे विच SMS जिहड़ा हैगा वो भेजदे ने। उन्हां नूं जब बसां 'च बिठाया जांदा है तां उदों उन्हां दे SMS जिहड़े हैगे वो चैक किए जांदे ने। उस तो बाद एक जी डेजिग्नेटेड थान असी बनाई हैगी, उत्थे उन्हों का मैडिकल स्क्रीनिंग जी है वो की जाती है, और जोड़े बंदे मैडिकल स्क्रीनिंग ठीक पाए जाते हैं उन्होंने फिर ट्रेनों के राही बोर्ड करा के उन्होंने रेस्पैक्टिव स्टेटा के भेजा जा रहा है। तो हूँ तक इस प्रोसैस जोड़ा है वो काफ़ी स्मूथ तरीके चलता पाया। कल एक ट्रेन तो अच्छ 2 ट्रेन जीडिया है इस गई हैं, असी होर ट्रेन की जी है डिमांड कर रहे हैं। साडे स्टेट के जिहड़े नोडल ऑफिसर्स हैंगे वो कंसर्नड स्टेटा के नाल टाईअप करके वो NOCs लेके रेलवे नूं इंडेंट पेस करे जा रहे हैं, और जिवें जिवें साडे कोल कन्फर्मेशन ट्रेन की आई जा रही है असी लोगों इन ट्रेनों के राही भेजे जा रहे हैं, तो अगे भी भेजते रहेंगे। इस तों अलावा यह भी गल शेयर करन दे विच मैनूं खुशी हो रही है कि पिछले 5-7 दिनों के काफ़ी इंडस्ट्रियां वालों अपना कम जिहड़ा हैगा वो चालू किया गया हैगा, और एज़ पर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट डेटा तकरीबन 5,000 इंडस्ट्रियां जिहड़ियां हैगियां उन्होंने अपना सेल्फ डिक्लेरेशन देके अपना कम जिहड़ा हैगा वो चालू किया होया है। तो इस दे नाल मैनूं लगता है कि काफ़ी लेबर्स की जिहड़ी वर्करस की प्रॉब्लम हैगी कि उन्होंने कोई कम नहीं सीगा वो प्रॉब्लम जिहड़ी हैगी वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। इस तों अलावा सरकार वल्लों लॉकडाउन 3.0 दे वास्ते कुछ नवे इंस्ट्रक्शन जिहड़े हैगे वो जारी किए गए सीगे, जिन्हां दे मुताबिक अज जिला लुधियाना के भी नवे इंस्ट्रक्शन जिहड़े हैगे वो जारी कर दिए गए हैं। उहदे मुताबिक कुछ जिवें असीं सारे जाणदे ने कि जिला लुधियाना जिहड़ा हैगा वो रैड जोन दे विच डिक्लेयर होया होया, बट हाले भी कोई भी इहो जिही थां नहीं है कि जिते कि साढ़े 15 या 15 तों वध केस होण। तो इस वेले जिला लुधियाना दे विच कोई भी कंटेनमेंट जोन जिहड़ा हैगा वो नहीं हैगा, सारे कुछ एरिया जिहड़े हैगे तकरीबन 9 एरियाज असीं रिस्ट्रिक्टेड या हाई प्रायोरिटी एरिया जिहड़े हैगे वो डिक्लेयर किए हुए हैं, जिन्हां दे विच 2 या 2 तों वध केसिस हैगे, लेकिन 15 तों वध कोई भी केस ना होण करके इस वेले कोई भी जिला लुधियाना दे विच कंटेनमेंट जोन जिहड़ा हैगा वो नहीं हैगा। तां इहदे वास्ते असीं काफ़ी एक्टिविटियां जिहड़ियां हैगियां वो क्लीयर कीतियां हैगियां, कि जिवें ट्रैवल जिहड़ा हैगा एयर रेलवे दा वो जनरल तौर पर परमिटेड नहीं होगा, केवल और केवल स्टेट वालों जिहड़ी ट्रेनस मंगियां जा रही हैं उही ट्रेन जिहड़ियां हैगियां वो चलणगियां। इंटर स्टेट बसों की जी मूवमेंट हैगी वो भी मना हैगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेजेस, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट ये सारे के सारे हाले भी बंद रहेंगे। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, सिनेमा हॉल्स, मॉल, जिमनेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स ये सारे बंद रहेंगे, और इस तरीके नाल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने असी हाले परमिशन नहीं दी हैगी। जिहड़ी परमिशन असी दित्तियां हुई ने वह इस तरीके नाल हैगियां कि मूवमेंट जिहड़ा हैगा इंडिविजुअल्स का वो सवेरे 7 बजे तो 11 बजे तक जिहड़ा हैगा वो आदमी जिहड़ा हैगा वो कर सकता है, अपने एक परिवार चो एक बंदा जिहड़ा हैगा वो बाहर निकल सकता है अपने किसी भी असेंशियल सामान की सप्लाई दे वास्ते, सॉरी डिमांड दे वास्ते, काउंटर परचेज दे वास्ते वो जा सकता है। सवेरे 11 बजे तो 7 बजे तक चेंज करना पड़ेगा। वख-वख परमिशनां दा सवाल हैगा, हुण नवी हिदायतां जिहड़ियां हैगियां इस बाबत जारी कीतियां जा रहियां हन। इहदे मुताबिक कुछ एक्टिविटियां जिहड़ियां हैगियां वो हाले भी परमिटेड नहीं होणगियां, जिवें एयर ट्रैवल, रेल ट्रैवल, इंटर स्टेट बसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, सिनेमा हॉल, मॉल, जिमनेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड अदर टाइप ऑफ गैदरिंग्स, रिलीजियस प्लेसिस ते पूजा करन वाली थावां, ये सारी चीज़ें जिहड़ियां रात नूं 7 बजे तो सवेरे 7 बजे तक कोई भी इंडिविजुअल दी मूवमेंट ये सारी की सारी पूर्ण तौर पर बंद रहणगियां। ये किसी भी कीमत पर
बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अलाउ नहीं की जाएगी चीज़ें। और सुबह जोड़े बुजुर्ग 65 साल तो वध है, प्रेगनेंट लेडीज है, चिल्ड्रन 10 साल तो घट है, उन्होंने मूवमेंट भी जी है इस परमिट नहीं होगी। जोड़े सवेरे 7 बजे तो शामी 7 बजे तक की इंडिविजुअल्स की मूवमेंट हैगी कुछ कंडीशन के नाल अलाउ की गई हैगी, जी मैं बाद डिटेल दसागा। इस तो अलावा OPD जी है वो अलाउड हैगी गवर्नमेंट एज वैल एज प्राइवेट हॉस्पिटलों की। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट बस जो परमिटेड हाले नहीं हो, टैक्सीज कैब्स रिक्शा ऑटो रिक्शा ये चीज़ा जड़िया है हाले भी चालू नहीं रहनगियां। जिहड़े भी 4-व्हीलर अलाउड होंगे हुण किहड़े अलाउड होंगे वो बाद दे विच दसांगा, जिहड़े भी अलाउड भी होंगे 4-व्हीलर वो भी सिर्फ 1+2 यानी कि एक ड्राइवर ते 2 पैसेंजर जिहड़े हैंगे इहदे विच हो सकते हैं, टोटल मिला के 3 बंदे जिहड़े हैंगे एक 4-व्हीलर दे विच हो सकते हैं। और जे 2-व्हीलर कोई गड्डी चलूगी तां उहदे विच सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर होगा, उहदा को पैसेंजर जिहड़ा हैगा उहदे बाइक दे उत्ते नहीं बैठूगा। ट्रैफिक गुड्स ट्रैफिक जिहड़ा हैगा वो सारा का सारा परमिटेड होगा, कोई भी सामान की आवाजाही जिहड़ी हैगी उहनू किसी भी तरीके दे नाल नहीं रोकिया जाएगा। पेंडू शॉप्स जिहड़ियां हैगियां हुण सवेरे 7 बजे तो दोपहर को 3 बजे तक खुल सकनगियां। पहला असीं जिहड़े हुक्म किए थे वो सवेरे 9 बजे तो 1 बजे के किए थे, लेकिन हुण हुक्म जिहड़े हैगे वो सवेरे 7 बजे तो 3 बजे तक के किए जा रहे हैं। ये पेंडू शॉप जिहड़ियां हैगियां वो सारी अलाउड होंगियां, एक्सैप्ट शॉपिंग मॉल जिहड़े हैगे उन्हां दे विच पेंडू शॉप जिहड़ियां हैगियां वो अलाउड नहीं होंगियां। पेंडू एरिया दे विच कोई भी शॉप जिहड़ी हैगी वो अलाउड है, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटियां जिहड़ियां हैगियां वो सारी अलाउड हैगियां सवेरे 7 बजे तो 3 बजे के विचकार, लेकिन जिहड़े SOPs वगैरह हैगे उन्होंने फॉलो करने पड़ेंगे, लाइन वगैरह डिस्टेंस वगैरह सोशल डिस्टेंसिंग मास्क वगैरह ये सारी चीज़ें जिहड़ियां हैगियां वो उन्होंने फॉलो करनिया पड़ेंगियां। इस तो अलावा जिहड़े अर्बन एरिया दे विच जिहड़ी असेंशियल आइटम्स की दुकाना हैगियां वो सवेरे 9-7 बजे तो 3 बजे तक हुण खुल सकदियां हन, काउंटर सेल कर सकदियां और 3 बजे तो शामी 7 बजे तक वो होम डिलीवरी भी कर सकदियां हन जिहड़ी असेंशियल कमोडिटी की दुकाना हैगियां। इस तो अलावा जिहड़े अर्बन स्टैंड अलोन दुकाना हैगियां, नेबरहुड दुकाना हैगियां ते रेजिडेंशियल प्रमाइसिस दे विच दुकाना हैगियां वो भी सवेरे 7 बजे तो 3 बजे तक खुल सकदियां हन, लेकिन दुकाना जिहड़ियां मार्केटां दे विच या मार्केट कॉम्पलैक्सां दे विच या शॉपिंग मॉल दे विच हैगियां वो दुकाना हाले नहीं खुल सकदियां, एक्सैप्ट असेंशियल सर्विस असेंशियल दुकाना राशन वगैरह की दुकाना जिहड़ियां हैगियां वही खुल सकदियां हन मॉल मार्केट वगैरह दे विच, लेकिन जनरल दुकाना जिहड़ियां हैगियां वो नहीं खुल सकदियां। बारबर सैलून स्पा इस तरह की जिहड़े सर्विसिज सैक्टर दी जिहड़ियां दुकाना हैगियां वो हाले ना पेंडू एरिया च खुल सकदियां हन ना अर्बन एरिया दे विच खुल सकदियां हन। जिहड़ा कंस्ट्रक्शन हैगा रूरल एरिया दे विच वो हुण परमिटेड हैगा, उहदे वास्ते सिर्फ और सिर्फ सानूं एक सैल्फ डिकलेरेशन बंदा लिख के भेजूगा कि मैं सारे के सारे कोविड की पालना करांगा, इस तो अलावा उसनों कोई परमिशन लैण की लोड़ नहीं होगी। अर्बन एरिया दे विच सिर्फ वो कंस्ट्रक्शन जिहड़े हैंगे वो अलाउ किए जाएंगे जिहड़े कि ऑलरेडी चालू सीगे ते जिहड़े बंदे लेबर नू अपनी साइट दे उत्ते रखण वास्ते पाबंद होवांगे। इहदे वास्ते भी हुण किसी भी परमिशन की लोड़ नहीं हैगी, जिहड़ा असीं ईमेल आई डी पहला दिता सीगा acgluthiana@gmail.com उस दे उत्ते सिर्फ और सिर्फ सैल्फ डिकलेरेशन जिहड़ी हैगी वो लिख के जिहड़ा कॉन्ट्रैक्ट हैगा वो सानू दे सकदा है और अपना काम जिहड़ा हैगा वो चालू कर सकदा है। जिहड़ी लेबर हैगी उस लेबर दा उन्होंने मौके दे उत्ते ही अरेंजमेंट जिहड़ा हैगा वो करना होगा। जिहड़े कदे आर्किटेक्ट या कुछ इस तरह के बंदे जिहड़े हुंदे जिन्हां नूं कि कदे कदे वर्क साइट ते जाना हुंदा है उहदे वास्ते ई पास जिहड़ा हैगा वो जारी करवाया जा सकदा है। जे वो बंदे पैदल जाना चाहते हैं तो पैदल के वास्ते उन्होंने सवेरे 9-7 बजे तो 3 बजे के विचकार किसी भी तरह के ई पास की जरूरत नहीं होगी। जे कोई बंदा गड्डी की वरतों करना चाहता है तो उन्हें इस दे वास्ते पास जिहड़ा हैगा वो लेना पड़ेगा। एग्रीकल्चर हॉर्टीकल्चर एनिमल हस्बेंडरी वैटनरी असेंशियल सर्विसिज जिहड़ियां हैगियां वो सारी बदस्तूर जारी रहनगियां। बैंक ते फाइनेंसिस दे वास्ते वर्किंग आवर्स जिहड़े हैंगे वो 9 बजे तो 1 बजे तक इहो जिहे होणगे जिहदे विच वो पब्लिक दे नाल डील कर सकते हैं, लेकिन 1 बजे तो बाद वो पब्लिक नाल डील नहीं कर सकांगे। उस तो बाद वो अपने ऑफिस का काम जिहड़ा हैगा वो कर सकते हैं और अपनी लोड के मुताबिक 3 बजे तक 5 बजे तक जब तक वो करना चाहूँ वो कर सकते हैं, लेकिन 5 बजे तो बाद इसकी परमिशन नहीं होगी।
ਕੁਰੀਅਰ ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਲਾਊਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਆਈਟੀ ਜੂਟ ਪੈਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਲਾਊਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਰਮਿਟਿਡ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੈਲਫ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਡੈਜੀਗਨੇਟਿਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਬਨ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ gmdiclutheana@gmail.com ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਈ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੋਟੋ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 33% ਦਾ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਫਿਸ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ, ਬੁੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ 33% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸਿਸ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸਿਸ, ਅਦਰ ਆਫਿਸਿਸ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਆਈ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹੀ ਕਾਪੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ 100% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੋਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫਾਇਰ, ਹੈਲਥ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ 33% ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਲਰੇਡੀ DOPT ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ MHA ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਿਟਿਡ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਵਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਇੰਡਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਡਿਫੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਔਫ ਵਹੀਕਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਹੋਸਪਿਟਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਸ ਐਕਸੈਟਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ, ਰੇਲਵੇ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਈ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਓਨਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਕਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਔਰ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਪਕੀਪਰਸ ਹੈਗੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਆਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
और असेंशियल सर्विसेज की दुकान तो चुकी 7 बजे तक खुल सकती हैं, तो इस करके शामी 6 बजे तो 7 बजे तक मुड़ के आ सकते हैं। जोड़े होर शॉपकीपरस हैं वो हूँ सवेरे 6 बजे तो 7 बजे तक मूवमेंट जी हैगी सवेरे कर सकते हैं और फिर दोबारा वापस जोड़ा है 3 बजे तो 4 बजे के विचकार वापस आ सकते हैं। इस वास्ते कोई स्पेशल पास की लड़ नहीं है कि अपने दुकान के कागज़ जोड़े हैं वो ही लगे वो चाल चले चलन। जोड़े वेयर हाउसिस वगैरह जोड़े हैं उन्होंने जो खोल सकते हैं सारे खुल सकते हैं, वो भी अपना परसनल आई कार्ड जोड़ा है उस दे अपना काम जोड़ा है चला सकते हैं। मिल्क वेंडर जोड़े हैं जिम्मे पहला अलाउड से उसी तरह अलाउड रहने और बाकी सारी कैटेगरियां जड़िया है वास्ते उन्होंने हाले ई पास जोड़ा है वो जारी करवाना पड़ेगा। जी पैदल चलन वास्ते आम पब्लिक जी है वो सवेरे 7 बजे तो 3 बजे तक एक करदा एक बंदा जोड़ा है वो बाहर जा सकता है अपनी असेंशियल सर्विसेज जो भी काम करवाना है वो वास्ते किसी भी तरह के पास की लोड नहीं हैगी, लेकिन ऑन फुट ही वो चलूगा गड्डी की वरतों नहीं करेगा। लेबरर वर्कर जोड़े हैं जिमें दसिया सवेरे 7 बजे तो 9 बजे तक और शामी 5 बजे तो शामी 7 बजे तक इंपलॉयर वालों जो पास उन्होंने इशू किया गया है वो तुर फिर सकता है। तो ये सारी हिदायत जी है लोगों की सहूलत वास्ते जारी की गई हैं, लेकिन मेरी लोगों को रिक्वेस्ट हैगी कि इन्हों चंगी तरह फॉलो करन और कोशिश करन कि कट तो कट ही बाहर निकलन और घर के अंदर रह के अपने आप को सेफ रखन और समाज में सेफ रखन। थैंक यू।